फ्रेंड नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता दुबे आपको गोभी मसाला की रेसिपी दूंगी, जिसकी मैंने लिया है आधी गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कट दी। उसी तरह मैंने 3 आलू काटे हैं छोटे साइज के बड़े बड़े और 2 बड़े प्याज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जी को बनाना। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, गर्म हो चुका है। मैं मेथी डाल रही हूँ, कढ़ाई में मेथी डाल दिया, तेल गरम हो गया है और अब मैं डालूंगी अपनी प्याज। हमने प्याज डाल रहे हैं और आपको तेल काफी थोड़ा ज्यादा डालना होगा बाकी सब्जियों के अपेक्षा, क्योंकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं। मैंने मसाले में लिया है धनिया की मोटी मोटी स्टेम, गरम मसाला, करी मसाला, हल्दी, मिर्च और अदरक, चीनी और मैंने ले रखा है नमक भी साथ में ग्राइंड करूंगी ताकि मिक्सचर एक साथ, और 10-12 कलियां लहसुन की। गोभी मसाला जो आपको सारे मसाले मिलाकर ग्राइंड किया था उसे मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा है, और मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि लहसुन, अदरक, टमाटर सब चीज़ें इसके अंदर पीसी हुई हैं ग्रेवी को गाढ़ा रखने के। और उसके बाद मैं एक टमाटर कट करके भी डालूंगी। अब हम इस मसाले को 5 से 6 मिनट भूनेंगे। थोड़ी मैं आंच तेज रखूंगी और हमने 4-5 मिनट प्याज बड़ी बड़ी काटी थी तो इसलिए इसे भी थोड़ा कैरमलाइज करने में समय लग गया। अब मैं मसाला भून लूंगी, उसके बाद गोभी और आलू डालूंगी। मसाले पक चुके हैं, मैं ऐड करूंगी आलू। आलू हमें इतनी फ्राई कर सकते हैं पर मैंने सोचा तेल मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया है इसलिए आलू को डीप फ्राई नहीं किया। अब मैं सिम आंच में इसे पकाऊंगी और पानी नहीं डालूंगी। और हमारी गोभी ये अपने प्याज की और मसाले की जूसेस में ही पक जाएंगे, एकदम मसालेदार सूखी गोभी बनकर तैयार हो जाएगी। और बाद में हम कोरिएंडर डालेंगे। मैंने टमाटर भी एक काट के इसके अंदर डाल दिया है। और प्यूरी में भी मैंने टमाटर ऐड किया था। अब हम इसे ढक देंगे 8 से 10 मिनट एकदम सिम आंच पे। अब मसाले में पानी नहीं है और ना मैंने ऐड किया जूसेस में पक, पर मैं ऊपर से पानी अपने बर्तन में डाल दूंगी जो सब्जी को जलने नहीं देगा और भाप बनकर नीचे की सब्जी पक जाएगी और हमें बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पानी नीचे चला जाएगा भाप बनकर। 6 से 7 मिनट हो चुका है, पानी देखिए खत्म हो गया है, ऊपर का थोड़ा सा है हमारा। अब मैं इसे खोल के चेक कर ले रही हूँ। देखिए पूरी नीचे की सब्जी, देखिए मसाला नहीं सूखा, अपने आप ये वाष्प बन के पानी ले लिया और हमारी सब्जी पूरी तरह पक चुकी है और इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था अपने जूसेस में, और इसने प्याज को भी पूरी तरह गला दिया और सारी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई। मैं अब इसमें स्लिट करके एक हरा मिर्च और थोड़ी सी धनिया डालूंगी। हमने धनिया डाल दिया अपनी सब्जी में और स्लिट करके मिर्च, वैसे मैंने मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था थोड़ा, पर इसका ग्रीनरी कलर होने के कारण और इसका टेस्ट भी अलग होगा, थोड़ा तीखापन ज्यादा, इसलिए ऐड कर दिया। अब मैं अपनी गोभी को सर्व करूंगी।
स्टार्ट कर रहे हैं गोभी निकालना। हमने गैस ऑफ कर दिया है और हम अपनी सब्जी को निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सब्जी बनी है। मैंने गोभी मसाला सर्व कर दिया है। इसके लिए मैंने पानी नहीं डाला था बनाते समय मसाले में। मैंने बर्तन में ऊपर पानी रखा था जिसका भाप बनकर हमारी पूरी सब्जी गल गई और गोभी के फूल एकदम खड़े और अच्छे हैं, बिल्कुल मैशी नहीं हुए हैं। ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप पूड़ी के साथ, भटूरे के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं और पुलाव के साथ भी। ये बहुत हेल्दी और डिलीशियस सब्जी है। मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या कोई भी वो नहीं किया है। पूरी तरह पकी हुई अच्छी सब्जी है, फ्रेश गोभी की मैंने बनाया था। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अगर आपको हमारी गोभी मसाला बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में लगी बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी न्यू रेसिपी की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो मुझे न्यू रेसिपी क्रिएट करने के में काफ़ी मदद मिलती रहेगी और मैं अच्छी से अच्छी हेल्दी रेसिपी आपको दे सकूंगी। इसके साथ हम मटर का भी यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा और टेस्टी सब्जी बनेगी। थैंक यू।